देखो जी बदरपुर की मार्केट इंगे, ओ माय गॉड, और इंगे की तरफ भी देखो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सभी को, आ गया हम आपके साथ एक और न्यू ब्लॉग लेके। आज सुबह सुबह मैं यहाँ इस पे बैठा हूँ किचन में, मेरी मैगी बन रही है गाइस, मम्मी खा रही है, ठीक है, तो मैगी खाते हैं, उसके बाद क्या करना है आज सुबह, जैसे कल कुछ नहीं करा, शायद आज कुछ ना हो, ठंड हो रही है कि बहुत ज़्यादा, पर देखते हैं क्या होता है, ठीक है, चलो। ये लो जी देख लो मैगी, अरे ये बन गई, हो गई तैयार, अब मैं इसकी टेस्टिंग करके बताता हूँ अभी लाइव एकदम, दिखाऊंगा सबको, ठीक है, एक सेकंड रुको, गर्म हो रही है, उठ जाता है भैया, उठ जा, एकदम मस्त बन रही है, बोले तो एकदम चकास, मेरे जुकाम और खांसी हो रही है, फिर भी टेस्ट आ गया इसका, तो फिर मैं खा लूँ, मेरे यहाँ गिर जाता मैं भी, चलो देखो यार, अब मम्मी मुझे मारेगी, फिर देखो मेरे तक, चलो पर कोई बात नहीं। तो मैं आ गया हूँ दूसरे वाले घर पे अपनी धनों को खड़ी करने, कोई अंदर देखने कोई है नहीं है गाइस, तो मैंने देख लिया है जैसे कि अंदर कोई नहीं है, माय गॉड, यहाँ पे देखो मेरा चेहरा बहुत अजीब अजीब सा हो गया होगा, शायद अब सही हो जाए। हाँ तो लो यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं अंदर से, ये ऐसा पुराने टाइम का हमारा घर गाइस, इसको भी देख लीजिए, यहाँ पापा रहते हैं ज़्यादातर, अभी पापा घर पे है, तो चलो यहाँ पीछे गीत गा रही है, सब लेडीज जो होती हैं वो गीत गा रही हैं, तो चलो यहाँ से निकलता हूँ मैं, आपको पहले यहाँ चलो चलते हैं दूसरे घर की तरफ, प्रस्थान करते हैं, यू नो प्रस्थान मतलब चलते हैं। तो यहाँ पे मैं जो ये वाला घर था, यहाँ पे मैं किसी काम से आया था, लेकिन वो काम भूल गया मैं, ठीक है, तो मैं घर जाके फिर से आया हूँ, मुझे आना था यहाँ पे बीड़ी लेने, अरे ऐसे घूम के चला गया, देख मेरा दिमाग कितना ज़्यादा चलता है, देख रहे हो ना कितनी बुद्धि है मेरे अंदर, लो बीड़ी दिया मैं, फिर बात करता हूँ, बाहर निकल गई, तो ले ली मैंने बीड़ी यहाँ से जो पापा ने मेरे से मंगाई थी, तो मैं फिर से आप बीड़ी लगा देता हूँ, चलो जल्दी फटाफट का छत पे घूम रहा है अब देखो, हाय दोस्त, आवाज मार, आवाज मार रहा है अपनी दादी को, और मेरा बहुत देर से नहाने का मन कर रहा है, बट मैं नहा नहीं रहा, फिर भी मन कर रहा है मैं नहा ही लूँ, फिर ठंड लग जाती है, मैं कहा नहीं पता नहीं यार कब नहाऊंगा मैं, ये लड़का देखो उतर रहा है, तो चलो जब नहाऊंगा जब देखता हूँ, कभी मन नहीं कर रहा मेरा, एक प्लान में आ गया फिर से एक और पोस्टपोन्ड, अब पहले मुझे कुछ सामान लेने जाना है, सामान लेके आता हूँ, मैं इतनी कमों के घर पर जुकाम हो रहा है यार, पता नहीं आज मैं बाइक पर फिर भी चलता हूँ, बहुत ज़्यादा जुकाम होगा मेरा, धीरे धीरे बच्चे यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं आने दो, उससे मिलवाता हूँ, फिर आ गया लड़का इधर को, हेलो ब्रो, हेलो मैं देख लो क्या देखो, लड्डू लेके आ रहा था, हाँ नीचे लड़का देख गया, हाँ तो क्या उसकी लड्डू को देख गया, गाड़ी दो कैसे लड्डू है, ओके चलो मैं बाद में खाएंगे, पहले सामान लेके आ जाते हैं, मैं सुबह सुबह से सोच रहा हूँ मैं नहाऊंगा नहाऊंगा, अभी तक नहीं नहाया, लेकिन आज नहाऊंगा मैं फिर भी जरूर, क्या फर्क पड़ता है, चलो सामान लेके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं, अच्छे लोग, ये लड़का लो ये देखो इसको, देख लो इसको, देखो मुझे ही देखो, मैं घर आ गए अब हम फिर से जा रहे हैं, लो मैंने हेलमेट पकड़ रखा है, सोचा पकड़ लिया फोन, हाँ अब देखते हैं हाथ आ रहा होगा शायद, नहीं आ रहा, पक्का पक्का नहीं आ रहा, यार बढ़िया सा, हाँ चलो तब हम चलते हैं बदरपुर की तरफ, वहीं मिलेगा सामान, क्योंकि यहाँ मिल नहीं रहा हमको, चलो बंद कर लो, तो अब आ गए हम बदरपुर की मार्केट में, देख लो जी हमें ये मस्जिद के पास है अभी हम, ठीक है सही दिख रही है मस्जिद, मैं भी सही दिख रहा है, तो यहाँ पर सामान लेना है, तो सामान लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट का टूर करवाएंगे, बदरपुर की जो मार्केट है, ओके ओके ब्रो, चलो मैं मास्क लगा लेता हूँ, कटेगा देखो जी बदरपुर की मार्केट इंगे, ओ माय गॉड, और इंगे की तरफ भी देखो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर, देखो जी कितनी बड़ी दुकान, ये स्कूटर चलता हुआ मनुष्य,
और ये इंडिया गेट टाइप एक चीज है यहाँ पे शूज की मार्केट। यहाँ पे चलान बहुत कट रहे हैं इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए गाइस। ये देखो ये देखो कोट पैंट है भाई साहब, तो आ गए देंगे। चलो एक आदमी फोन में घुस रहा है, मुझे अब याद आ गया। तो अब हम आगे की तरफ है, चल रहे हैं पूरे आगे की तरफ आ गए। एक और घंटा खड़िया सही हूँ देख लो, और हमें जो सामान चाहिए मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। हम ढूंढ रहे हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, भैया ना मिले तो भी अच्छी बात है, है भाई। तो उम्मीद तो मुझे लग नहीं रही इस तरफ क्योंकि बाहर की तरफ आ गए हम पूरे। और हम नई गली में से निकलते हुए जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती देखा, इससे चक्की भी है, ये बाइक वाला भी है जो सामान लेकर चल रही है। फिर तो हमने इंडिया एंटर कर दिया है छोटा कुतुब मीनार में, और कुतुब मीनार नहीं इंडिया गेट, सिर्फ गेट है, इंडिया गेट कहूँगा मैं तो इसको। प्लेन के अंदर आया एक और खतरनाक चेंज, अब हम पूरी मार्केट से ही दूर जा रहे हैं ब्रो। मार्केट तीसरे तरफ है, अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगर आगे लेके आनी है तो हो जाए कुछ भी, है जी लेके आनी है जरूर आगे तक। देखो यहाँ पे खिलौने भी है, सब्जी मिल रही है, लाइन तय है, सब चीज़ यहाँ रुक जाएंगे। अरे जहाँ से हम आए थे वहाँ तीसरी बार वहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब की बार पता चला है कहाँ से क्या मिलेगा। ओके गाइस चलो आपको फिर से लेकर चलते हैं अंदर की तरफ। ये पता लो मैं से बोल रहा था ना, फूड काउंटर जो है स्कूटी वाला मैं उड़ा देता अभी। देखो यहाँ फूड काउंटर भी बहुत सारे हैं गाइस। ये देखो पकौड़ास वाला, ये बोरी वाला, ये टिक्की वाला, और वापसी उस इंडिया गेट में घुसाऊंगा आपको मैं। तो इधर गुफा भी आपको एक चुपके से दिखाता हूँ, ये देखो ये मतलब इन गए घुस के दूसरी तरफ से निकलोगे सीधे। देखो इस गली में भी हो लिए हम, उसमें तो तीन चार बार घुस गए इंडिया गेट में। ये फ्रूट्स की दुकान, हाँ जी हमें सामान मिल गया है जो हम ढूंढ रहे थे। 50 बार ढूंढने के बाद हमने सामान आखिरकार ढूंढ निकाला। आगे आएगा मेरा कैमरे के बीच में इसलिए सॉरी गाइस। अब यहाँ से हम विदाई लेते हैं, निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ को। चलो पर लास्ट पार देख लो यहाँ की मार्केट पूरी, इधर से भी देख लो, ये यहाँ से नू देख लो। रास्ते में एक और दुविधा आई है, जहाँ पे बाइक खड़ी करी थी उसके पीछे निकलने के रास्ते पे वो है, यहाँ से बाइक निकल जाएगी क्या, अब हमको ये देखना है। यहाँ से निकलनी तो सही, ये निकल जाएगी। चलो 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 जल्दी भाग के बाइक लाता हूँ अंदर से। अरे मैं भूल गया कहाँ से आया था, हाँ यहीं से तो आया था। निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी, जा रही है, हमने इसको भी बता दिया। कहीं तो सब मार करवा दी नहीं होती। अब हम भी निकलते हैं यहीं से। अभी लड़के के घर के यहाँ पे, इसके पास अभी फ़ोन नहीं है, फ़ोन घर पे छोड़ कर आया है, तो ये फ़ोन ले कर आ रहा है, उसके बाद इसे घर ही ले जाऊँगा पकड़ कर मैं, समझ रहे हो ना, घर ही ले जाऊँगा इसे खींच के मैं। बस चल लड़के में लग कर रहा हूँ तो अभी देख नहीं पा रहा, हाँ अब दिख रहा हूँ बढ़िया से लग रहा हूँ, तो चलो फाड़ दो इसे फिर घर ले जाते हैं, ठीक है। आ गए अब हम घर की तरफ, घर की तरफ का घर पे आ गए, मतलब कि कैसा लग रहा है भैया? ऐसा लग रहा है जैसे घर आ गए हैं। मतलब हम थक गए हैं, अब यहाँ खाना खाएंगे, और मुझे नहाना भी है। कब गई थी मैं नहाने के लिए? सुबह गई थी मैं इनसे अपने ऑडियंस से, अभी तक नहीं आया। 12:30 हो रहे थे वो, हाँ तो मुँह उठा रहा था बेचारे। तो चलो अब थोड़ी देर में खाना खाता हूँ फिर नहाता हूँ, उसके बाद व्लॉग को एंड करूँगा, बहुत लंबा हो गया क्योंकि शायद, ठीक है ओके बाय बाय टाटा टाटा। चलो जी ना वो करता है वो भी। चलो चलो अब मैं फाइनली नहाने जा रहा हूँ, 5 बज गए शाम के, सुबह गई थी, देख लो कितना टाइम हो गया। कपड़े मैंने कर लिया जो से मेरे को, आप 4 घंटे बाद कल पानी गर्म कर रखा है, 2 घंटे तक तो पानी गर्म हो गया, उबड़ता भी आता होगा। चलो नहा लूँ मैं सीधा, नहा मिलूँ सीधा, ठीक है चलो बाय बाय टाटा। मैं नहा के आ गया हूँ, किस तरह मस्त लग रहा हूँ नहाने के बाद, देख रहे हो ना मेरे को। आप ये लड़का वीडियो बना रहा ऐसे ऐसे कैमरा करके, आप कुछ बोलना चाहते हो ब्रो? नहीं जी आप भी बोल लो। तो चलो मैं नहा लिया हूँ, अब थोड़ी देर में इस ब्लॉग को एंड करूँगा मैं, वैसे शायद हो गया एंड करने का, मैं यही एंड कर दूँ, बता दे इसे भी मर्जी है, बता तो बता ना, अच्छा लग रहा कुछ देर और कर ले। चलो फिर इसकी नेक्स्ट क्लिप में हम ब्लॉग को एंड कर देंगे, ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर में टाटा। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, मेरी कम्बो में चली गई है, उसे थोड़ी देर रुके गए हुए, तो इस ब्लॉग को बंद करते हैं, खाना खाऊंगा उसके बाद सो जाऊंगा, ठीक है। और कुछ नया करा नहीं मैंने इसमें आज भी।
और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। उससे क्या होगा, अगर मेरी वीडियो जो भी न्यू आएगी वो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप उसे देख सकते हो। ठीक है, गुड नाइट, चलो बाय।